मधेपुरा पुलिस ने सिंहेश्वर थाना क्षेत्र में हुए महाठगी मामले में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय से एप्पल वॉच के धोखाधड़ी मामले में शामिल सातिर भाई बहन को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए मधेपुरा ASP प्रवेंद्र भारती ने बताया कि 26 अक्टूबर को सिंहेश्वर थाना क्षेत्र अंतर्गत मेडिकल कॉलेज के पास से फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय से धोखाधड़ी कर एप्पल वॉच की ठगी कर ली गई थी, जिसके संदर्भ में सिंहेश्वर थाना में मामला दर्ज किया गया। कांड में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सिंहेश्वर पुलिस के द्वारा लगातार छापेमारी की कार्रवाई की जा रही थी। इसी दरमियान 20 जनवरी को गुप्त सूचना मिली कि कांड में संलिप्त ठग पुनः खगड़िया जिले में अपना नाम पता बदलकर फिर महंगे सामान की डिलीवरी का ऑर्डर किए हैं। उक्त सूचना पर ASP प्रवेंद्र भारती के नेतृत्व में थानाध्यक्ष सिंहेश्वर इंस्पेक्टर अरुण कुमार SI युगल किशोर एवं कपिल देव यादव सिपाही राजेश कुमार तनवीर आलम एवं कुंदन कुमार के साथ छापेमारी दल का गठन किया गया। योजना अनुसार खगड़िया बस स्टैंड से सातिर ठग को डिलीवरी के सामान प्राप्त करने से पहले ही पकड़ लिया गया तथा पकड़ाए व्यक्तियों से नाम पता पूछने पर अपना नाम शालिनी गुप्ता उर्फ खुशी कुमारी उर्फ आयशा सिंह और शिवशक्ति उर्फ बिट्टू दोनों पिता मृत्युंजय कुमार सिंह गोपालपुर थाना उदयकिशनगंज जिला मधेपुरा बताया गया। उनके पास से ठगी करने हेतु एप्पल कंपनी का डमी स्मार्ट वॉच भी बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान इन दोनों ने पूर्णिया मधेपुरा भागलपुर आदि जगहों पर कई ऐसी घटना की बात को स्वीकार किया। इनके निशानदेही एवं स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर इनके घर से ठगी किया हुआ कुल कीमत 1,80,000 का दो एप्पल स्मार्ट वॉच एवं अन्य सामान बरामद किया गया। इसमें सिंहेश्वर में कांड अंकित हुआ था 11वें महीना में 2/1/23 को और 11/2/11/23 को कि फ्लिपकार्ट कंपनी का से एप्पल का फ़ोन मंगाया गया था, तो उसमें एक लड़का एक लड़की थी इन्वॉल्व और फ्लिपकार्ट से मंगाया मेडिकल कॉलेज के पास, तो जो घड़ी मंगाया एप्पल कंपनी का उसको वहाँ लिया और उसके बाद देखा बोला ठीक नहीं है, डुप्लीकेट उसमें लगा करके उसको फिर दे दिया। जब ये वापस गया कंपनी में तो उसको पता लगा कि तो इसमें जो हम दिए थे उसको उसमें से पुराना घड़ी नया घड़ी निकाल करके पुराना कोई एप्पल का डुप्लीकेट घड़ी इसमें डाल दिया है। इस आधार पर सिंहेश्वर थाना में कांड अंकित किया गया, कांड अंकित कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। तो लगातार इसमें फ्लिपकार्ट से संपर्क में थानाध्यक्ष सिंहेश्वर अरुण कुमार लगे रहे और काफ़ी बारीकी से इसका अनुसंधान तकनीकी अनुसंधान किया गया। इसमें ज्ञात हुआ कि इसमें पूर्व में भी एक भागलपुर में भी इस प्रकार की घटना जो है किया गया था। इसके जो मोबाइल से कंपनी से मंगाया गया था उसी मोबाइल का इस्तेमाल नंबर का इस्तेमाल भागलपुर में भी किया गया था और पुनः कल ये सूचना मिली SHO को कि सिंहेश्वर खगड़िया में भी उसी मोबाइल से फ्लिपकार्ट के माध्यम से फिर घड़ी एप्पल की घड़ी को मंगाया गया है। इस सूचना के आधार पर तुरंत टीम का गठन किया गया और थानाध्यक्ष अरुण कुमार और उनके थाना की टीम पुलिस पदाधिकारी ये लोग खगड़िया गए। खगड़िया में जा करके जो फ्लिपकार्ट से मंगाया गया था घड़ी उसको ट्रैप किया गया। जैसे ही घड़ी का डिलीवरी होना था वहाँ पर पुलिस पहुँच करके उन्हें पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जो है महिला एक पुरुष को पकड़ा गया जो पहले भी जो सिंहेश्वर में घटना किया था ये वही लोग थे। इन्होंने अपना दोष स्वीकार भी किया। पकड़ाने में जो लड़की का नाम है शालिनी गुप्ता है और दूसरा लड़का का नाम है शिवशक्ति उस बिंदु। पूछताछ के क्रम में इन्हें जब यहाँ पर लाया गया तो ये बताया कि जो घड़ी इन लोगों ने सिंहेश्वर में जो ली थी फ्लिपकार्ट से वो घड़ी इनके घर पर फिर वहाँ जा करके घड़ी को बरामद भी किया गया है। इस तरीके से ओरिजिनल घड़ी और जो डुप्लीकेट घड़ी थी वो भी बरामद किया गया है। और चूँकि ये इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग एक तरीके से कहा जाए तो मधेपुरा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।